नमस्कार, आज हम घातीय यादृच्छिक चर अथवा एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल की चर्चा करेंगे। एक चर x जिसका फलन किसी मापदंड लैम्डा के लिए एक घातीय अथवा एक्सपोनेंशियल यादृच्छिक चर कहलाता है। यह सरल है। अब इसका बंटन फलन निकालने के लिए इसका बंटन फलन कुछ इस प्रकार होगा, अर्थात यह एक मान्य यादृच्छिक चर है अथवा यह एक मान्य घनत्व फलन है। अब x का n-वां आघूर्ण निकालने के लिए एक्स का एनवा आघूर्ण निकालने के लिए एक्स एन बराबर है लैम्डा शून्य से अनंत एक्स एन हमने यह समीकरण पहले लैप्लेस लैप्लेस परिवर्तन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में देखा है, जहां हम जानते हैं कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म x घात n बराबर है एक तरफा, हम एक तरफा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं, जहां x शून्य से बड़ा होने पर शून्य से अनंत यह, एवं हम यह जानते हैं कि यह एस घात एन गुणानुक्रम बटे गुणानुक्रम एन बटे एस घात एन जमा एक यह होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लिख सकते हैं अर्थात सरल रूप से मैं एक घातीय
सरल रूप में घातीय यादृच्छिक चर के लिए, जिसका मापदंड लैम्डा है, के लिए अब यह सरल है, यह भी सरल है एवं अर्थात इसका मध्यमान 1/लैम्डा, एक्स वर्ग का मध्यमान 2/लैम्डा एवं एक्स का प्रसरण 1/लैम्डा वर्ग यह होगा। अब हम किसी भी ऋणेतर यादृच्छिक चर को स्मृति विहीन यदि कोई भी ऋणेतर यादृच्छिक चर एक्स स्मृति विहीन तब कहलाता है जब अर्थात यह पता होने पर कि वह यादृच्छिक चर किसी अंक टी से बड़ा है, उस यादृच्छिक चर के उस टी से एस और बड़ा होने की प्रायिकता उस यादृच्छिक चर एक्स के एस से बड़ी होने की प्रायिकता के बराबर है। अर्थात मैं ये चरण कर ही लेता हूं, अब क्योंकि x s जमा t से बड़ा होने का अर्थ है कि x t से बड़ा ही होगा, क्योंकि x एक ऋणेतर यादृच्छिक चर है और s और t दोनों शून्य से बड़े हैं, अर्थात मैं इसे लिख सकता हूं x s जमा t से बड़ा है बटे अर्थात यदि हम एस टी को समय द्वारा धारण किए गए मान माने तब एक यादृच्छिक चर किसी समय पर, एक स्मृति विहीन यादृच्छिक चर किसी समय पर यह नहीं जानेगा कि वह कितना समय पहले से ही पूरा कर चुका है, उसे केवल यह ज्ञात होगा कि आने वाले कुछ समय तक और टिके रहने की प्रायिकता वह कितना समय पहले से बिता चुका है इस प्रायिकता से स्वतंत्र होगी। यह मुख्यतः अणुओं के नाभिकीय अथवा रेडियोधर्मी संगलन में इसका प्रयोग किया जाता है, यह हम विस्तार पूर्वक मार्कोव चेन्स में आगे पढ़ेंगे। अब यह देखना आवश्यक है कि स्मृतिविहीन यादृच्छिक चरों का यह गुणधर्म एक घातीय यादृच्छिक चर भी यही गुणधर्म रखता है, अर्थात एक घातीय यादृच्छिक चर
एक घातीय यादृच्छिक चर स्मृति विहीन यादृच्छिक चर होता है, यह हमने सिद्ध किया। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण संतत चरों की बात करेंगे। पहला है लैपलेस यादृच्छिक चर। पहला है लैपलेस यादृच्छिक चर, जहां यह एक प्रकार से धनात्मक एवं ऋणात्मक घातीय यादृच्छिक चरों का मिश्रण, यह धनात्मक एवं ऋणात्मक घातीय यादृच्छिक चरों का मिलन है। यह देखना सरल है कि इसका बंटन फलन यह होगा, एवं यह भी सरल है कि यह गामा गामा यादृच्छिक चर महत्वपूर्ण है। यहां यह गामा फलन कहलाता है, एवं इसकी परिभाषा इस प्रकार है, यह देखा जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए यह होता है, अथवा प्राकृतिक संख्याओं के लिए यह अंत में कौशी बंटन अथवा कौशी यादृच्छिक चर यह केवल इस प्रकार दिया जाता है। इसका मापदंड थीटा है। यह कुछ महत्वपूर्ण संतत यादृच्छिक चर थे जिनके विषय में हमने चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम यादृच्छिक चरों के फलनों के बंटन फलनों की बात करेंगे। धन्यवाद।